कांग्रेस आगू राहुल गांधी ने मंगलवार को कैरनल यूनीवर्सिटी के उगे अर्थशास्त्री प्रोफेसर कौशिक बासु नाल गलबात दौरान कहा कि तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी वालों एमरजेंसी लाने का फैसला एक भुल सी। राहुल ने कहा कि 1975 तो 1977 के दरमियान 21 महीनों के लिए एमरजेंसी के दौरान जो कुछ भी होया वह गलत सी। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि एमरजेंसी के दौरान संविधानक हक और नागरिक आजादी मनसूख कर दिए गए सन, प्रेस उपर रोक लगा दी गई सी, वड्डी संख्या में विरोधी धिर के आगुओं जेल में बंद कर दिया गया। यह सारिया चीज़ा अजोके माहौल तो वक्रिया सन। उन्होंने कहा कि मैं मानता हाँ कि वह एक भुल सी, पूरी तरह गलत फैसला सी। मेरी दादी इंदिरा गांधी ने भी अजिहा कहा सी। उस समय भी कांग्रेस के संविधानक ढांचे उपर कब्जा करने की कोशिश नहीं की सी। सच कहिए तो यह समर्था भी नहीं है। कांग्रेस की विचारधारा सू अजिहा करने की आग्या भी नहीं दी। भाजपा जिहड़े आगू एमरजेंसी जेल में बंद कर दिए गए सन, वह हमेशा कांग्रेस में इस बारे घेरते रहे हैं। खास करके जो कांग्रेस भाजपा उपर प्रगटावे की आजादी और असहमति के हक में सवाल पूछती है। पिछले साल जून महीने में गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस के नेहरू गांधी परिवार उपर हमला करदे कहा कि एक परिवार के सत्ता के लालच ने रातों रात पूरे देश में एक जेल बना दिता सी। राहुल गांधी ने मंगलवार को कहा कि एमरजेंसी और अज जो कुछ हो रहा है उस विच बुनियादी फर्क है। राहुल ने कहा कि RSS संस्थावां दे विच अपने बंदे भर रहा है। जे असी भाजपा नूं हरा भी दिता तो असी संस्थावां दे ढांचे विच बैठे उन्होंने लोगों तो आजाद नहीं हो सकांगे। राहुल ने कहा कि आधुनिक लोकतंत्रीय प्रणाली संस्थावां दे संतुलन कारण है। संस्थावां आजाद रूप में काम कर रही हैं। संस्थावां की आजादी उपर भारत का सब तो वड्डा संगठन जिसनों RSS कहा जाता है हमला कर रहा है। यह व्यौंत बद्ध तरीके दे नाल कीता जा रहा है। असी यह नहीं कहांगे कि लोकतंत्र को कमजोर किया जा रहा है, सगों इस नष्ट किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, आवाज़ कम TV। कांग्रेस आगू राहुल गांधी ने मंगलवार को कैरनल यूनीवर्सिटी के उगे अर्थशास्त्री प्रोफेसर कौशिक बासु नाल गलबात दौरान कहा कि तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी वालों एमरजेंसी लाने का फैसला एक भुल सी। राहुल ने कहा कि 1975 तो 1977 के दरमियान 21 महीनों के लिए एमरजेंसी के दौरान जो कुछ भी होया वह गलत सी। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि एमरजेंसी के दौरान संविधानक हक और नागरिक आजादी मनसूख कर दिए गए सन, प्रेस उपर रोक लगा दी गई सी, वड्डी संख्या में विरोधी धिर के आगुओं जेल में बंद कर दिया गया। यह सारिया चीज़ा अजोके माहौल तो वक्रिया सन। उन्होंने कहा कि मैं मानता हाँ कि वह एक भुल सी, पूरी तरह गलत फैसला सी। मेरी दादी इंदिरा गांधी ने भी अजिहा कहा सी। उस समय भी कांग्रेस के संविधानक ढांचे उपर कब्जा करने की कोशिश नहीं की सी। सच कहिए तो यह समर्था भी नहीं है। कांग्रेस की विचारधारा सू अजिहा करने की आग्या भी नहीं दी। भाजपा जिहड़े आगू एमरजेंसी जेल में बंद कर दिए गए सन, वह हमेशा कांग्रेस में इस बारे घेरते रहे हैं। खास करके जो कांग्रेस भाजपा उपर प्रगटावे की आजादी और असहमति के हक में सवाल पूछती है। पिछले साल जून महीने में गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस के नेहरू गांधी परिवार उपर हमला करदे कहा कि एक परिवार के सत्ता के लालच ने रातों रात पूरे देश में एक जेल बना दिता सी। राहुल गांधी ने मंगलवार को कहा कि एमरजेंसी और अज जो कुछ हो रहा है उस विच बुनियादी फर्क है। राहुल ने कहा कि RSS संस्थावां दे विच अपने बंदे भर रहा है। जे असी भाजपा नूं हरा भी दिता तो असी संस्थावां दे ढांचे विच बैठे उन्होंने लोगों तो आजाद नहीं हो सकांगे। राहुल ने कहा कि आधुनिक लोकतंत्रीय प्रणाली संस्थावां दे संतुलन कारण है। संस्थावां आजाद रूप में काम कर रही हैं। संस्थावां की आजादी उपर भारत का सब तो वड्डा संगठन जिसनों RSS कहा जाता है हमला कर रहा है। यह व्यौंत बद्ध तरीके दे नाल कीता जा रहा है। असी यह नहीं कहांगे कि लोकतंत्र को कमजोर किया जा रहा है, सगों इस नष्ट किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, आवाज़ कम TV।